रहा है, डांटते का है कि हम दलित हैं। तब जनक राम कहे कि हम दलित हैं, हम दलित परिवार से आते हैं और हमारी बात को सुना जाए तो ये तो हमारा संविधान में अधिकार है। आज भी मंत्री जी बोल रहे थे तो एक शब्द बोल दिए, तो कल हमसे लोग भी बोले कि हम राजपूत हैं। हमारे गले में घंटी बांध दी जाती थी, हमारे पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार विधान परिषद का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान जब संतोष कुमार सुमन ने अनुसूचित जाति के बजट पेश करते वक्त कहा कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, जिसको लेकर एमएलसी महेश्वर सिंह ने इस पर विरोध किया, कहा कि यहाँ पर जितने भी माननीय सदस्य है, कोई मंत्री है, तो वो किस तरह से अपनी जाति का अगर बार बार बात करेंगे तो वो कितना गलत है। और इसी को लेकर किस तरह से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिला है, वो कि वो विधान परिषद के सदस्य बन सके तो वो अपना बात तो रखेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं महेश्वर सिंह और अशोक चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। बोल रहा है, डांटते का है। हजूर, हम कहना चाहते हैं कि हम सभी माननीय सदस्य, कोई इसमें मंत्री है, कोई सभापति है, कोई उपसभापति है, सभी माननीय सदस्य हैं। ये परिपाटी देख रहे हैं, शुरू हुआ कृषि मंत्री से कि हम दलित हैं। तब जनक राम कहे कि हम दलित हैं, तब संजय पासवान कहे कि हम दलित हैं, हमको दबा जा रहा है। आज भी मंत्री जी बोल रहे थे तो एक शब्द बोल दिए, तो कल हमसे लोग भी बोले कि हम राजपूत हैं। वो मंत्री जी बोले जी कि हम जादव हैं, ये बोलेंगे कि हम बुंझार हैं। सर, ये परिपाटी अपर हाउस है। बहुत धन्यवाद जी। सदन के सभी ये सब नहीं होना चाहिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सभी माननीय सदस्य हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ सर, संविधान में प्रावधान दिया गया है, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने आरक्षण का प्रावधान किया है। तो जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं उनको स्पेशली सदन का पार्ट बनाया जाता है कि वो अपनी बात रख सके ठीक से। तो जो व्यक्ति ये कहेगा कि हम दलित परिवार से आते हैं और हमारी बात को सुना जाए तो ये तो हमारा संविधान में अधिकार है, इसको आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करिएगा, ये अलग बात है। ये अलग बात है जिसको संविधान में अधिकार दिया गया, हमें आरक्षण दिया गया है कि हम आपके बराबर आ सके। हजारों वर्ष तक हमारे पिता, हम लोगों के पूर्वजों ने छुआछूत का दंश झेला है। हमारे गले में घंटी बांध दी जाती थी, हमारे पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था, उसके बाद संविधान ने हमें अधिकार दिया गया बोलने का। तो जो व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम अनुसूचित जाति से आते हैं, ये तो उसका अधिकार है, उसको बोलने पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कहा जाएगा कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। आसन आप भी कहिएगा कि हम अनुसूचित जाति में आते हैं, तो हमको तो इसमें क्या कहना चाहता हूँ महोदय। सुना जाए महेश्वर बाबू माननीय मंत्री महोदय, तो आपने साफ तौर पर सुना है एमएलसी महेश्वर सिंह को और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से इस बात का विरोध कर रहे हैं और एक दूसरे की उनमें भिड़ंत हो गई है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।